A very good morning, BVPians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 4th. In previous class, we discussed. हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में? हमने इंग्लिश इडियम का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस किया था. आई होप ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक. होमवर्क कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक टिल चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश इडियम. आपने कंप्लीट कर लिया है अपना होमवर्क. नाउ क्लास 4 टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज 8 इंग्लिश रीडर. इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंग्लिश रीडर का द वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी. आपने कभी सुना है वाइट एलिफेंट के बारे में? हमेशा एलिफेंट ब्लैक ही होता है ना, लेकिन ये चैप्टर है वाइट एलिफेंट का, सफ़ेद हाथी का. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर रीडर बुक, लिसन दिस वीडियो केयरफुली. वीडियो आपको अच्छे से सुनना है. इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर नंबर 8 आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ. क्लियर फोर्थ क्लास? टेक आउट पेज नंबर 58 फ्रॉम योर बुक. 58 निकालना है आपको अपनी रीडर बुक में से. द वाइट एलिफेंट. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ 80,000 एलिफेंट एट द बॉटम ऑफ द हिमालयाज. एक समय था जब एक हर्ड था एलिफेंट का 80,000 झुंड, 80,000 एलिफेंट एट द बॉटम ऑफ द हिमालय. हिमालय के बॉटम पे 80,000 एलिफेंट्स का झुंड था. देयर लीडर वॉज अ मैग्निफिशेंट एंड रेयर वाइट एलिफेंट. उसका जो लीडर था बिल्कुल गोरा, ब्यूटीफुल, सुंदर, एकदम सफ़ेद था. ठीक है, वाइट एलिफेंट था. ही ग्रेटली लव्ड हिज मदर हु हैड ग्रोन ब्लाइंड एंड फेबल एंड कुड नॉट लुक आउट फॉर हरसेल्फ. उसकी जो मम्मी थी, ही ग्रेटली लव्ड हिज मदर. वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था. क्यों? क्योंकि हु हैड ग्रोन ब्लाइंड, वो बिल्कुल अंधी थी, ब्लाइंड थी, एंड फेबल्स एंड कुड नॉट लुक आउट फॉर हर. वो ऐसी लाचार थी, अंधी थी, कि वो अपने बेटे के ऊपर, उस वाइट एलिफेंट के ऊपर देख नहीं पाल कर सकती, क्योंकि वो खुद ही ब्लाइंड थी, अंधी थी. ईच डे हिज वाइट एलिफेंट वुड गो डीप इन टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड. हर दिन जो वो वाइट एलिफेंट था, सफ़ेद हाथी था, वो फॉरेस्ट के अंदर गहरे अंदर ही अंदर जाता था और फूड लाता था. किसकी तलाश में जाता था? खाने की तलाश में. ही वुड लुक फॉर द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स टू सेंड टू हिज मदर. वो वाइल्ड फ्रूट लेकर आता था अपनी मम्मी के लिए और किसको भेजता था? अपनी मदर को. किसको भेजता था? अपनी मदर को. बट हिज मदर नेवर रिसीव्ड एनी. लेकिन उसकी जो मम्मी थी उसे एक भी को फ्रूट रिसीव नहीं होता था. क्यों नहीं होता था? सी हियर. दिस वॉज बिकॉज हिज मैसेंजर वुड ऑलवेज ईट दैम अप दैम सेल्फ. क्यों? क्योंकि जो फ्रूट उसको मैसेंजर था, जो सामान ले जाता था इधर से उधर इधर से उधर, वो खुद ही खा जाता था. क्या करता था फोर्थ क्लास? वो खुद ही सारे फ्रूट्स खा जाता था. उसकी मम्मी तक कोई भी फ्रूट नहीं पहुँचता था. He was absolutely disgusted with his herd. उसे बहुत गुस्सा आता था, वो पसंद ही नहीं करता था अपने झुंड को. क्यों? क्योंकि वो ये सारे काम करते थे. One day he decided to leave them all behind. उसने सोचा कि अब ये सब कुछ छोड़ के वो चला जाएगा. He took his mother to Mount Candorana to live in a cave besides a beautiful lake covered by gorgeous pink lotuses. उसने सोचा कि वो अपनी मम्मी को माउंट कैंडोरा में लेके जाएगा और उसके केव में रहेगा, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लेक है, ब्यूटीफुल लेक है, गॉर्जियस, बहुत सुंदर, खिलती हुई पिंक लोटस के लेक के पास में, पिंक कलर का लोटस था वहाँ पे, बहुत सुंदर. उस जगह पर वो अपनी मम्मा को लेकर और यहाँ से चला जाएगा. वन डे व्हेन द वाइट एलिफेंट्स वॉज फीडिंग ही हर्ड लाउड क्राइज. जब एक दिन क्या हुआ, एक वही सफ़ेद हाथी फीडिंग कुछ खा रहा था, खाने की तलाश में गया, फीडिंग के लिए गया. He heard loud cries. उसने जोर से रोने की आवाज़ सुनी. A forester from Kashi had lost his way in the forest and was absolutely terrified. एक forester था, मतलब एक forester था, जंगल का forester, काशी से आ रहा था, वो रास्ता भूल गया था forest के अंदर, जंगल के अंदर, और वो बिल्कुल डरा हुआ था. He had come to the area to visit his relatives. वो यहाँ पे क्यों आया था? अपने रिलेटिव से मिलने आया था. क्यों आया था? अपने रिलेटिव से मिलने. लेकिन वो क्या हो गया, वो रास्ता भूल गया. और वो कहाँ से आया था? काशी से. ठीक है, नाउ सी क्या होता है आगे. टर्न पेज नंबर 59. ऑन सीइंग दिस बिग वाइट एलिफेंट ही वॉज इवन मोर टेरिफाइड बट द एलिफेंट टोल्ड हिम नॉट टू बी टेरिफाइड. क्या हुआ, जब वो रास्ता भूल गया, वो रोने लगा, तो उस
व्हाइट एलिफेंट ने उसकी वॉइस सुनी, और जैसे ही वॉइस सुनी वो उस जगह गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी रोने की। तो वो जो फॉरेस्टर था वो व्हाइट एलिफेंट को देख के और डर गया, लेकिन एलिफेंट ने बोला कि तुम डरो मत। एज ही ओनली वॉन्टेड टू हेल्प हर, वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर व्हाई ही वॉज क्राइंग, उसने फॉरेस्टर से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। द फॉरेस्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर द पास्ट 7 days एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट। वो कह रहा है कि वो 7 दिन से ही पूरे जंगल में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ से बाहर जाने के लिए। द एलिफेंट टोल्ड हिम नॉट टू वरी एज ही कुड टेक हिम टू सेफ्टी, उस एलिफेंट ने कहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सेफ्टी से, बहुत ही सेफ्टी से, ध्यानपूर्वक मैं तुम्हें ले जाऊँगा। ही दान लिफ्टेड हिम ऑन टू हिज बैक एंड कैरिड हिम आउट ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर द फॉरेस्टर वेंट ऑन हिज वे बैक टू काशी। उसने क्या किया, उसे अपनी पीठ पे बिठाया और उसे फॉरेस्ट तक लेके गया, उस रास्ते तक लेके गया फॉरेस्टर को जहाँ से वो काशी वापस जा सके। ऑन रीचिंग द सिटी ही हर्ड दैट किंग ब्रह्मदूतास पर्सनल एलिफेंट हैड जस्ट डाइड एंड द किंग वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट। जैसे ही वो अपने शहर, अपनी सिटी में पहुंचा, उसने सुना कि जो किंग ब्रह्मदूता था उसका जो पर्सनल खुद का जो एलिफेंट था वो मर गया, और उस राजा को एक नए हाथी की तलाश थी, न्यू एलिफेंट की तलाश थी। द फॉरेस्टर वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेंट अप टू द किंग, फॉरेस्टर बहुत खुश था और वो राजा के पास गया। ही टोल्ड हिम अबाउट द वाइट एलिफेंट दैट ही हार्ड सीन ऑन माउंट कैंडोराना। उसने क्या किया, वो गया हाथी के राजा के पास और उसने राजा को क्या बताया, सफ़ेद हाथी के बारे में, जिससे वो कहाँ मिला था, माउंट कैंडोराना में मिला था। ठीक है, द किंग वॉज क्वाइट प्लीज विद द इंफॉर्मेशन एंड इमिडिएटली सेंड अ नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड एलिफेंट ट्रेनर्स अलॉन्ग विद द फॉरेस्टर। उसने क्या किया, किंग ने बिना रुके जल्दी से बहुत सारे अपने सोल्जर्स बुलाए, बहुत सारे हाथी के जो ट्रेनर्स थे उनको बुलाया और फॉरेस्टर को उनके साथ भेज दिया। द ग्रुप रीच्ड द लेक बिसाइड विच द एलिफेंट रेजिस्टेड। क्या हुआ, बहुत सारा जो हाथियों का ग्रुप था वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे हाथी, वो वाइट वाला हाथी रहता था। द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग लोटस शूट्स फॉर हिज मदर्स मील एंड कुड सेंस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस। जो वाइट आदमी था वो अपनी मम्मी के लिए लोटस के शूट्स थे वो इकट्ठा करा था खाने के लिए, और एकदम से उसने जैसे देखा तो वो एक ह्यूमन था। वैन ही लुकड अप ही स्पॉटेड द फॉरेस्टर एंड रियलाइज दैट इट वॉज ही हु हैड लेड द किंग्स मैन टू हिम। जैसे ही वो खड़ा हुआ स्पॉटेड द फॉरेस्टर, उसने एकदम से अपनी जगह पर फॉरेस्टर को देखा एंड रियलाइज दैट इट वॉज ही, वो उसे पता चल गया कि वो ये हु हैड लेड द किंग्स मैन टू हिम, जिससे उसने राजा को मिलाया था। ही वॉज वेरी अपसेट एट द इनग्रेटिट्यूड बट ही डिसाइडेड दैट ही इफ ही पुट अप अ स्ट्रगल मैनी ऑफ द मैन वुड बी किल्ड। क्या हुआ, जैसे कि उसने कहा राजा वाली बात बताई, फिर उसने सोचा, वो बहुत अपसेट हुआ कि कहीं अगर ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाए, स्ट्रगल हो, वो परेशानी में गिर जाए क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वो उसको मार दें। तो हाथी अपने आप में सोचने लगा, ही वॉज टू काइंड टू हर्ट एनीवन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद डैम टू काशी। फिर उसने सोचा कि ठीक है चलो मैं इसके साथ काशी में चला जाता हूँ। दैट नाइट वेन द वाइट एलिफेंट डिड नॉट रिटर्न होम हिज मदर वॉज वेरी वरिड। उसे ये उस रात को जब ये सीन हुआ, जब वो काशी से फॉरेस्टर आया और उसको लेके गया, उसी रात को जो वो अंधी माँ थी, वाइट एलिफेंट की मदर थी, वो बहुत परेशान होने लगी जब उनका वाइट एलिफेंट, उनका बेटा घर नहीं आया। शी हैड हर्ड ऑल द कम्बशन आउटसाइड एंड हैड गेस्ड दैट द किंग्स मैन हैड टेकन अवे हर सन। जैसे ही वो बाहर की आवाज़ें सुन रही थी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो राजा के आदमी और सोल्जर्स आए थे उसके बेटे को उठा के लेकर चले गए। शी वॉज वरीड डैट देयर वुड बी नो, वो बहुत परेशान थी, वरीड थी, चिंता में थी कि नो वन टू लुक आफ्टर
हर और इवन फीड हर, कोई भी नहीं है मेरे बेटे की देखभाल के लिए, कौन उसे खाना खिलाएगा, कौन उसे फेड कराएगा। एज शी कुड नॉट सी, वो तो देख भी नहीं सकती है। शी जस्ट लेट डाउन एंड क्राइड बिटरली, वो गिर जमीन पर लेट कर बहुत रोने लगी, ठीक है ना। मीन वाइल हर सन वॉज लैट इन द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ काशी वेयर ही वॉज गिविन अ ग्रैंड रिसेप्शन। फिर क्या हुआ, उस दूसरी तरफ क्या हुआ कि उसके बेटे को काशी में लेके गए बहुत अच्छी जगह पे, फिर उसके लिए क्या किया, बहुत बड़ा रिसेप्शन किया। जैसे हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं और रिसेप्शन करते हैं, ऐसे वाइट एलिफेंट के लिए भी एक रिसेप्शन दिया। द ट्रेनर्स लैट आउट अ फ्रीज फॉर देयर न्यू स्टेट एलिफेंट दैट रिफ्यूज टू टच एनीथिंग। जो ट्रेनर्स थे, ट्रेनर्स ने हाथी को मना किया था कि वो अभी किसी भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा, टच नहीं करेगा। ट्रेनर ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे। द वरी ट्रेनर्स वेंट स्ट्रेट टू रिपोर्ट द सिचुएशन ऑफ देयर किंग। जो ट्रेनर लगाए थे उस हाथी के पीछे, उन ट्रेनर्स ने देखा कि यह हाथी तो किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा रहा है और ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ट्रेनर्स चिंता में चले गए, चिंता में थे और जाके फटाफट कहाँ गए, वो राजा के पास गए। द किंग वैन टू द एलिफेंट हिमसेल्फ, और उसने राजा के पास गया और राजा को सारी कहानी बताई। फिर राजा था जो ब्रह्मदूता का जो राजा था, उसने वो कहाँ गया, उस खुद हाथी के पास बात करने को गया। ई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सैड, उसने बोला कि तुम उदास क्यों हो। द वाइट एलिफेंट रिप्लाई डैट ही वुड नॉट ईट अ थिंग अंटिल ही मीट हिज मदर। उसने हाथी ने बोला कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपनी माँ से, अपनी मदर से नहीं मिल लेता। एज शी वॉज ब्लाइंड एंड नो वन टू फीड हर एंड टेक केयर ऑफ हर, वो अंधी है, ना कोई उनकी देखभाल करने के लिए है, ना कोई उनका खाना खिलाने को है। ही वॉज अफ्रेड दैट शी वुड डाई, उसे डर था कि कहीं वो मर ना जाए, तो वो अंदर ही अंदर डर रहा था। द काइंड किंग वॉज टच्ड बाय द एलिफेंट स्टोरी एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू हिज ब्लाइंड मदर, ब्लाइंड ओल्ड मदर एंड टेक केयर ऑफ हर। राजा जो ब्रह्मदूता का जो राजा था, वो बहुत दयालु था, उसने हाथी की जो कहानी सुनी है मदर के बारे में, उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करो। ही सेंट हिम फ्री, और उसने उसको आज़ाद कर दिया। द हैप्पी एलिफेंट वॉज वेंट रिटर्निंग होम एज फास्ट एज ही कुड, जो खुश राजा बहुत हाथी था वो बहुत खुश था और वो फटाफट से वो अपने घर को वापस आया, ठीक है ना। ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, उसे बहुत उत्सुकता थी जानने की कि उसकी मदर जिंदा है या नहीं है या फिर क्या है। ही टोल्ड हर दैट द काइंड किंग ऑफ काशी हैड सेट हिम फ्री। जैसे ही वो अपनी माँ के पास आया, उसने अपनी माँ को बताया कि वो जो राजा था उसने उसको आज़ाद कर दिया, जो काशी का जो राजा था उसने हाथी को आज़ाद कर दिया। हिज मदर वॉज थ्रिल्ड एंड ब्लास्ट द काइंड के, जो उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और उसने उस राजा को जो दयालु राजा था उसको बहुत ब्लेस्ड की, बहुत ही दुआएँ दी। शी वॉज सो थैंकफुल टू हिम फॉर सेंडिंग हर सन बैक होम, वो बहुत ही मतलब खुश थी और उसे धन्यवाद कर रही थी कि उसने उसके बेटे को अपने घर में भेज दिया। द वाइट एलिफेंट वॉज एबल टू टेक गुड केयर ऑफ हिज मदर टिल द डे शी डाइड, जो सफ़ेद हाथी था उसने अपनी माँ की देखभाल करी, तब तक देखभाल करी जब तक कि वो मर ना गई। शी वॉज डाइड, जब तक वो मरी नहीं तब तक उस सफ़ेद हाथी ने बूढ़ी माँ की, अपनी अंधी माँ की सेवा करी, ध्यान किया। तो क्लास 4th, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया ये चैप्टर वाइट एलिफेंट का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको घर पे रीड करना है, ठीक है। ये वीडियो एंड तक सुनना है। देयर आर फ्यू हार्ड वर्ड्स, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं आपको रीड भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। मैग्निफिशेंट, एब्सोल्यूटली, टेरिफाइड, रोमिंग, प्रेजेंस, इनग्रेटिट्यूड, बिटरली, थ्रिल्ड। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लास 4, सबको समझ में आया, सबको अपना वर्क कंप्लीट करना है घर पे, क्लियर टू यू ऑल टिल चैप्टर नंबर 7 एंड स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 रीडिंग, आपको घर पे चैप्टर 8 की रीडिंग करनी है, क्लियर टू यू ऑल। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड रीड चैप्टर नंबर 8 एट होम 4th क्लास।